गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा है अलंकार। तो अपन कल पढ़े थे शब्दालंकार तक अपने टॉपिक पूरे हो चुके थे। कल अर्थालंकार का अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार अर्थालंकार का फर्स्ट टॉपिक था। उपमा अलंकार में अपन ने पढ़ी उसकी परिभाषा और उसके अंग, उसका उदाहरण। कल अपन एक चीज उपमा अलंकार की अपनी रह गई थी क्लास में, टाइम नहीं हुआ, तो वो था कि उसके दो भेद हैं। दो भेद उसके किस रूप में हैं? आपका पहला है लोप हो जाए तो वहां
तो वहां लुप्तोपमा ठीक है, यानी जहां चारों अंग उपस्थित होंगे वहां पुल्लिंग का अलंकार, और जहां उनमें से किसी अंग का लोप हो जाए तो वहां लुप्तोपमा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पूरा नॉलेज है, अगर आप ये इतना लिख के ही आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर भी आपसे इम्प्रेस होगा, यानी किसी चीज को जब हम जाने पढ़े तो हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके उपालंकार आता है तो आप उसके ये दोनों अंग बताते हो तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे आ जाना उपमा अलंकार के बाद अपना दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जहां उपमेय व उपमान के भेद को समाप्त कर दोनों को एक ही कर दिया जाए। ठीक है, उसमें अपन ने उपमेय को अलग और उपमान को अलग माना है, एक में दूसरे की समानता की है, यहाँ दोनों में समानता जैसी कोई चीज नहीं होगी, यानी हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस चीज में इसकी समानता होगी। उपमा अलंकार में उनका साधारणतः महत्वपूर्ण होता है और वो दोनों में उपस्थित होता है। जैसे अगर ने कहा फूल, तो फूल क्या है, अपनी कोमलता के लिए प्रसिद्ध है, तो हम उसकी समानता उसी चीज से करेंगे जिसमें हम कोमलता देखेंगे। चंद्रमा अपनी कांति के लिए सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हम उसकी तुलना सुंदरता में या कहीं किसी चीज की जिसमें चमक की बात होगी उसी में उसकी तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा समानता वाला कोई काम नहीं होगा, इसमें एक पर दूसरे को आरोपित कर दिया जाए, यानी जहां उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दोनों को एक ही कर दिया जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया ठीक है, यानी दोनों में अंतर नहीं होगा, दोनों को एक ही कर दिया जाएगा, उपमेय को ही अगर उपमान मान लेंगे। उपमा अलंकार में जो उपमान है उसमें कोई विशिष्ट गुण होता है और उस विशिष्ट गुण से अपन उपमेय की तुलना करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में इस भेद को समाप्त करके एक पर दूसरे को थोप दिया जाता है। ठीक है, अब अपन इसका उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस रूप में उदाहरण, यानी जहां उपमेय है, उपमेय यहाँ ये, और उपमेय जब आपके उदाहरण में आएगा तो उपमान में ही उपस्थित हो जाएगा, यानी उसको उस
बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी का मतलब है बीती रात के लिए वर्णन किया जाता है। बीती विभावरी जागरी ये यहाँ आपको याद रखना है। इसमें क्या है, अंबर पनघट, पनघट को किसकी उपमा दी जा रही है, अंबर की। यहाँ मटके को यानी घड़े को किसकी उपमा दी जा रही है, तारों को। और एक नारी को किसकी उपमा दी जा रही है, उषा यानी रात्रि की। अब इस चीज में यहाँ पनघट, पनघट जहाँ पानी भरे जाते हैं, तो ये क्या पनघट में और आकाश में, अंबर यानी आसमान, इसमें किसी प्रकार की कोई समानता है, कोई समानता नहीं। मटके में और तारों में क्या समानता है, कोई समानता यहाँ नहीं है, ऐसे ही इनमें। तो यहाँ ये चीज है कि रूपक अलंकार में एक पर दूसरे का आरोपण कर दिया जाएगा, यानी एक पर ही दूसरे को बता दिया जाएगा कि ये जो उपमा है, यहाँ अंबर को क्या बना दिया, पनघट बना दिया, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ये उपमेय है, हम जहाँ वर्णन किया जा रहा है वो क्या है, उपमेय है, और इस उपमेय को अंबर बना दिया। यहाँ मटके को तारों की संज्ञा दे दी, तारा घट, और नाम में नारी यानी नारी को किसकी संज्ञा दे दी, रात्रि की। तो ये हमें इस चीज में ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का साधारण धर्म यानी कोई समानता नहीं होगी। उपमेय और उपमान में आपको यही देखना है, उपमेय में एक साधारण, उपमा अलंकार में एक साधारण धर्म होगा, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसे किसी चीज की कोई समानता नहीं होगी, वहां उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का कोई साधारण धर्म नहीं होगा, इसमें केवल एक पर दूसरे का आरोपण होगा, ठीक है। ये चीज आपको इसमें बस यही अंतर है उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके साथ उनका एक साधारण धर्म होता है, वहां तुलनात्मक रूप होता है, इसीलिए वहां वाचक शब्द भी होते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द भी नहीं होगा, ना ही इसमें साधारण धर्म होगा और ना ही इसमें वाचक शब्द होगा, यहाँ केवल उपमेय और उपमान होगा, और उपमेय को ही उपमा यानी उपमान बना दिया जाएगा, ये इस पर आरोपण हो जाएगा, क्योंकि साधारण धर्म नहीं है, यानी साधारण धर्म का मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। पनघट क्या और कहाँ आसमान, कहाँ मटका और कहाँ तारे, इनमें कोई समानता नहीं है। तो ये आपको इसमें यही अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ना ही तो साधारण धर्म होगा और ना ही वाचक शब्द होंगे, यहाँ एक पर दूसरे का आरोपण होगा। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कि उपमा अलंकार आपको परिभाषा याद रखनी है, इसकी जब परिभाषा याद होगी तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या चीज है। उपमा अलंकार में चारों अंग होंगे उसके, उन चारों अंगों में साधारण धर्म और वाचक शब्द ये इसमें उपस्थित होंगे, किसी तरीके से किसी में नहीं भी होते हैं तो वहाँ साधारण धर्म या वाचक शब्द में से कुछ एक हो जाएगा, लेकिन उसमें एक दूसरे की समानता का कोई उद्देश्य होगा, उसमें समानता होगी। यहाँ किसी प्रकार की कोई समानता न होकर एक पर दूसरे का आरोपण होगा, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको जैसे अपने उपमा अलंकार की पढ़े वैसे ही मैं आपको इसके अंग भी बता दूंगा, इसके भी अंग हैं और उन अंगों में इनकी समानता का वर्णन भी है। इसके भी तीन अंग हैं, यानी इसके भी भेद हैं, अंग नहीं भेद। तो उन भेदों में भी हमें उतना ही याद रखना है कि जैसे आपके एग्जाम में परिभाषा आती है कि रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए और उसके उदाहरण लिखिए, तो आप रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हो उसका उदाहरण दे दोगे, आप अपने प्रश्न को महत्वपूर्ण बनाने के लिए टीचर उस पर इम्प्रेस हो तो उसके लिए आप उसके जो भेद हैं वो भी बता दोगे। एक भेद है इसका निरंग रूपक, दूसरा है सामरूपक और तीसरा है परम्परिक रूपक। निरंग रूपक जहां कंटिन्यूअस
एक के बाद एक आएंगे, यही इसमें भी होगा। लेकिन इसमें अगर एक आपका एक जो उपमेय उपमान है अगर वो अपना अर्थ नहीं देगा तो आगे का अर्थ नहीं आएगा, और इसमें इसके अंगों पर इसका आरोपण होगा। ठीक है, तो इनकी आपको डिटेल में इतनी आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं समझा सकती हूँ, लेकिन एक बार आप इतना पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतने नहीं है, आपको केवल परिभाषा के साथ इनके भेद दे देते हैं, वो भी आप देना चाहें अगर प्रश्न में आपके आता है तो। बाकी आपके उदाहरण आएगा तो उसमें आपको केवल अलंकार बताना होगा और उस उदाहरण में जो अलंकार होगा उसकी परिभाषा अगला पूछेगा, या फिर सामान्य तौर पर दे दिया उसने कि रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए उसके उदाहरण लिखिए, तो आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रेस करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि इसके तीन भेद हैं। और उदाहरण आपको इसके याद रखने हैं क्योंकि उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिख के आना होगा। एक उदाहरण आपको ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, यानी ना ही आपके साधारण वर्ब है और ना ही आपके वाचक शब्द है, लेकिन ये पता है कि यहाँ मुख और चंद्रमा की तुलना की जा रही है, महेश मुख चंद्र चकोरी, चंद्रमा के समान चकोरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां साधारण वर्ब यानी किसी चीज की जब अपन तुलना करते हैं तो वो विशेषता उसमें उपस्थित होनी चाहिए, है ना। जैसे अपन कोमलता की सुंदरता की इनकी विशेषता अगर इनकी तुलना करते हैं तो वो विशेषता उसमें उपस्थित होती है दोनों चीजों में, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा कुछ ना हो कि एक पर दूसरे का आरोपण किया जाएगा। आपको ये समझ में आ गया? हमने दो अलंकार पढ़ लिए, अर्थात अलंकार के दो अलंकार हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ा हमने उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की जाती है यानी एक से दूसरे की तुलना की जाती है, और रूपक अलंकार में एक पर दूसरे का आरोपण किया जाता है, उसमें समानता नहीं होती है क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई साधारण धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आगे आपका तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका टॉपिक होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? देखिए उपमा अलंकार में भी हमने तुलना की, रूपक अलंकार में भी आपस में एक दूसरे का आरोपण था, यानी उपमेय और उपमान जैसी चीजें हम दोनों में ही उपस्थित थी। तो वैसे ही आपका तीसरा जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो वो भी इसी रूप में है कि जहां एक पर दूसरे को देखा जाए, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान की कल्पना या संभावना उपमेय में की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान की कल्पना या संभावना उपमेय में की जाती है, और उत्प्रेक्षा
कक्षा में जनुमन और जानो या मानो जैसे सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की मां सखी दूसरी सखी से कह रही है। तो हमें यहाँ अगर आपके सामने ये उदाहरण आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, क्योंकि अर्थ निकालने से पहले अगर हम शब्द देख लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक पद्य का आप अर्थ निकाल पाओ ये जरूरी नहीं है। तो कई बार हमें कुछ एक शब्दों में अगर उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो हम उससे भी उसके अर्थ को यानी उसके आंसर को ढूंढते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, सारे अलंकार आपके सामने, आपको तो ये देखना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें एक चीज दिखाई देती है, वो है जानो या मानो। अब यहाँ कल्पना कैसे की जा रही है कि सखी सोहती गोपाल के उर यानी हृदय पर गुंजन एक फूल होता है एकदम लाल लाल फूल। किस प्रकार का लाल फूल होता है? वो ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे अग्नि की लपटें निकल रही, दूर से जब हम उस फूल को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई अग्नि की लपटें। तो वही उन फूलों की माला जो कृष्ण के गले में है तो वो दूर से कैसे लग रही है? बाहर प्रिय लगती, बाहर से प्रिय ऐसे लग रही है मानो दावानल की ज्वाला यानी जंगल की आग लग रही है। तो वो बाहर से कैसे प्रतीत हो रही है? जंगल की आग के समान। तो हमें यहाँ जनु मनु जानो मानो जैसे शब्दों को देखना होगा। अगर ये शब्द है तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सबसे बड़ा इसका कारण है कि यहाँ केवल कल्पना या संभावना की जाती है, तो इस चीज में कल्पना ही की जा रही है यानी उसकी संभावना रखी जा रही है। यहाँ यह नहीं बताया जा रहा कि भाई गले में आग की लपटें हैं, गले में जो माला है वो दूर से आग की लपटों के समान प्रतीत हो रही है।
ठीक है, तो इस चीज से हमें यहाँ ये संभावना या संभावना का पता लगाना है। दूसरा, जनु मनु जानो मानो जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। जहाँ ये शब्द आएंगे, ये वाचक शब्द जिसमें होंगे, वहां उपदेशा अलंकार होगा। आगे आपको समझ में इसके उदाहरण में आप फिर से देख लो। यहाँ जो उदाहरण है, सखी सोहती सुंदर लगती है, गोपाल के हृदय पर लटकती गुंजन की माला, बाहर प्रिय लगती बाहर से लेकिन प्रिय वो ऐसी लग रही है मानो जैसे जंगल की आग की लपटे हो। यानी दावा नारायण जंगल में लगने वाली आग और ज्वाल यानी लपटे, तो जंगल में लगने वाली आग की लपटों से वो प्रतीत हो रही है, तो यहाँ संभावना रखी जा रही है। दूसरा, जनु मनु जानो मानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको सुनने, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ये इसकी पहचान होती है कि जहाँ कल्पना की जाए, यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं फिर आपको ये कह रही हूँ, उपमा अलंकार में वो चीज यानी वो साधारण हर लोगों में उपस्थित होगा, वो उपमान में उपमेय में दोनों में होगा। अगर किसी का मुख सुंदर है, कभी हम उसकी चंद्रमा से तुलना करेंगे, तो वो चीज उसमें उपस्थित होगी। यहाँ वो चीज उपस्थित न होगी, केवल उसकी कल्पना या संभावना रखी जाए। और जनु मनु, और जब कल्पना या संभावना रखी जाती है, तभी जनु मनु जानो मानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका उपेक्षा अलंकार। अब अपन ने तीन अलंकार पढ़ लिए, अर्थ अलंकार के तीन अलंकार आपके पूरे हो चुके हैं। उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया और उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब अपन अगली क्लास में अपने अगला अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके तीन अलंकार हो रहे हैं, संदेह अलंकार, प्रांतिमान अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। तो अगला आपका होगा अतिशोक्ति अलंकार। तो ये आपको आपकी नोटबुक में अपने शब्द अलंकार पढ़ लिए चार, वो उसके बाद अर्थ अलंकार का पहला टॉपिक था उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके अंग, उसका उदाहरण और उसके दो पहलू मैंने आपको बताए। उसके बाद में रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके तीनों भेद आप नाम दे दोगे। वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके तीन भेद हैं, इसके भी तीन भेद वो है। पहला वस्तु प्रेक्षा, दूसरा है हेतु प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। लेकिन जहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आपके कोई भी उदाहरण आएगा, उस उदाहरण में आपके जनु मनु जानो मानो जैसे शब्द होंगे और उपमान की कल्पना यानी उपमेय के अंदर उपमान की कल्पना यानी जो चीज जिसकी आप तुलना करोगे उस चीज के अंदर किसी विशिष्ट चीज यानी जो उपमान होगा आपका, उस उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहां होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। वैसे ही वस्तु प्रेक्षा है और आपका हेतु प्रेक्षा है। वस्तु प्रेक्षा आपका जो अलंकार है, वस्तु प्रेक्षा में जहाँ किसी वस्तु में अन्य वस्तु की, जहाँ किसी वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की जाएगी वहाँ वस्तु प्रेक्षा। हेतु प्रेक्षा जहाँ किसी महत्वपूर्ण चीज से तुलना की जाएगी या संभावना की जाएगी। और फलोत्प्रेक्षा फल की अपेक्षा से जब किसी चीज की कल्पना या संभावना की जाती है तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन उदाहरण